कि आप जो चीज चाहते हो, जो करना चाहते हो, कहीं पर आपको किसी मुकाम पे ये लगे कि मैंने वैसा कुछ कर लिया है परमात्मा की कृपा से, उसे कहते हैं अचीवमेंट। जैसे आप लोग आज, आपने कभी सपना देखा होगा कि आप पत्रकार बने, आज आप पत्रकार हो, तो इसे कहते हैं अचीवमेंट। सर, आपने भी काफी मेहनत की अपनी जिंदगी में, आप इस मुकाम पे पहुंचे, लोगों में पहचान बनाई, लोगों में पहचान बनाई, तो ये जो अचीव किया आपने, किस तरह से आपको देखते हैं वो सफर को, मतलब कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगता है कि माता पिता का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा, गुरुओं का आशीर्वाद, दोस्तों का प्यार, परिवार वालों का सपोर्ट, ये सबके बिना ये मुश्किल था, नामुमकिन था। सर, अभी हाल ही में मालूम हुआ कि ऋषि कपूर ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो मेजर पॉलिटिकल फैमिली है उनके नाम पे सब कुछ है, एयरपोर्ट हो या कोई भी चीज़ हो। आप लोग एंटरटेनर सिर्फ नहीं है, सोशली कॉन्ट्रीब्यूट भी करते हैं, अगर फंसी देते हैं तो वो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आपको नहीं लगता कि कल को सुनील पाल के नाम पर कोई रोड हो, सुनील पाल के नाम पर कोई ऐसा हो, किसी बड़े हस्ती के नाम पर? बिल्कुल होना चाहिए, अगर कुछ होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमारा ऐसा मानना है कि जनता का प्यार अगर हमारे नाम हो जाए तो इससे बड़ा, इससे बड़ी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इससे बड़ा कोई स्मारक नहीं है। और प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि क्या कर रहे हैं प्रोड्यूसर के? अभी बहुत सारी फिल्में आ रही है मेरी, काफ़ी सारी टेंशन मत ले यार आ रही है, तुक्का फिट आ रही है, आधार आ रही है, निर्धार आ रही है, बहुत सारी फिल्में आ रही है। वो मैडम करो ना, एक्ट्रेस है। देखिए, बिना मेहनत के तो और स्ट्रगल के किए बिना तो खुदा भी नहीं मिल सकता। और मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बहुत ही खुशी हुई है ये देखकर, ये माहौल, क्योंकि नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। ज़रूरी है। देखिए, आज जो स्ट्रगल है, सब लोग लगे पड़े हैं, वो लाइफ में एक स्ट्रगल जिसका नाम है वो अमिताभ जी को भी करना पड़ता है। तो स्ट्रगल जो लाइफ है वो किसी कभी भी कंप्लीट नहीं है, करते जाइए। जो मैंने शेर कहा है कि मिले उरूज तो इंसानियत की हद में रहो, यही तो वक्त है कुदरत की आजमाइश का। और क्योंकि नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। आप में वो जज्बा, आप में वो क्षमता होनी चाहिए जिसको आप इतना लेके चल रहे हैं, और इसी बुलंदी पे ना पहुंचना ये कोई कम बात नहीं है। और जिस तरीके से आज के वक्त में हम लोग देख रहे हैं कि कितनी फैसिलिटी मिल गई है, जब हम लोग स्ट्रगल करते थे उस वक्त तो ये जरिए भी नहीं थे, जो आज इजीली हम लोगों को प्लेटफॉर्म मिला। सर, आपने एक आईडी, आपका नाम? मेरी नज़र में अचीवर वो होता है जिससे, जिसकी फैमिली बहुत खुश है, जिससे अपने जो किरदार, खुद का किरदार है, उससे वो खुद खुश होना चाहिए, और जहाँ से भी आया हो अपने दुखों को बिना सुनाए, बिना लोगों के आगे रोए अपनी चीज़ को अचीव करना और अपने आप को स्टैंड करना, इतनी बड़ी दुनिया में मेरे हिसाब से वो अचीव होता है। मैं उसके लिए सिर्फ अल्लाह ताला को और मेरी माँ को और मेरे फैंस को क्रेडिट देना चाहूँगा, और मेरे माँ बाप को और अल्लाह ताला को, ओनली इन लोगों को। मेरी फिल्म आने वाली है लव डे, सबके लगने वाले लव डे है। अचीवर्स अवार्ड है, आप लोगों ने भी अचीव किया लाइफ में, अभिनय के क्षेत्र में, तो अचीवर्स मतलब
देखिए अवार्ड अवार्ड होता है, सम्मान सम्मान होता है, चाहे वो छोटा या बड़ा नहीं होता है, या ये नहीं होता है कि फिल्म फेयर वाला सिर्फ अवार्ड है और बाकी अवार्ड अवार्ड नहीं है। हर आदमी अपने अपने तरीके से और अपनी हैसियत के हिसाब से कलाकार का सम्मान करता है, और सम्मान वो जो है अवार्ड के रूप में दिया जाता है। और इसके लिए हर कलाकार को, चाहे वो टेलीविजन से कनेक्टेड हो या किसी भी फील्ड का कलाकार क्यों ना हो, लगता है मोनोपोली टूटनी भी चाहिए। क्या होता है, एक ही अवार्ड होने से क्या होता है, वही 10 चेहरे हैं जो घूमते रहते हैं, 10 या 12 चेहरे होंगे, यू सी देम एवरीवेयर, सो ईदर यू हैव टू हैव मोर अवार्ड्स, यू नो, सो यू कैन एंटरटेन एंड एडजस्ट मोर पीपल हु रियली आर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, यू नो, सो इन अ वे आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग, यू नो, इट्स वेरी गुड अटेम्प्ट फ्रॉम पीपल्स पार्ट। लेकिन ये भी जानना चाहूंगा, आज के दौर में प्रतियोगिता इतनी बढ़ गई है, लोगों को नाम कमाना, पैसा कमाना इतना ज्यादा हावी हो गया, क्या ये जरूरी है आपकी समझ से? सी, मेरे ख्याल से ये खाली फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है, परहैप्स एवरीबडी, बी इट जर्नलिस्ट, आई मीन यू गाइस, बी इट व्हाट यू कॉल अ बिजनेसमैन, बी इट एन एक्टर, बी इट अ सिंगर, एनीबडी, यू नो, फॉर द मैटर, एवरीबडी वांट्स टू हैव इनफ डो एंड मनी इज नेवर इनफ, माइंड दैट, ओके। हाँ, अगर अगर अवार्ड बढ़ गए हैं तो चैनल भी तो बढ़ गए हैं, फिल्में भी तो बढ़ गई हैं, अब हाँ कलाकार भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। पहले तो लिमिटेड था, पहले तो सिर्फ दूरदर्शन था या लिमिटेड फिल्म्स थी, अब तो देखिए इतनी रीजनल फिल्में हैं, इतनी सारी फिल्में हैं, सभी लैंग्वेज में अच्छी फिल्में बन रही हैं, और इतने सारे चैनल बन गए हैं, अब इतने सारे, अब तो चैनलों ने अपने अपने अवार्ड भी देने शुरू कर दिए हैं, तो सम्मान सम्मान है, अवार्ड अवार्ड है, और सबको अच्छा लगता है। हैप्पी ईद, हाय, मैं सुरेंद्र पाल, हैप्पी ईद, हैप्पी रमजान, रेनबो सर, वहाँ जाना जरूरी है, जरूरी जरूरी आइए आइए, क्या हाल चाल है, पहुँच जाते हो लोग? बस हमारा काम ही है पहुँचना, और कुछ काम तो है ही नहीं। सर, ये ड्रीम अचीवर अवार्ड है, आपने इतना अचीव किया लाइफ में, मतलब संगीत के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में इतना बड़ा नाम किया है, आपकी नजर में अचीवर कौन होता है? जो अच्छा काम करे वो अचीवर होता है, जो मेहनत करे, ईमानदारी रखे और बरसों से कुछ पाने की ख्वाहिश रखे और उस मुकाम पे पहुंचे, तो उसका ड्रीम तो ये होता है कि हमें सम्मान मिले, हमें अवार्ड्स मिले, हमें सम्मानित किया जाए। लेकिन कामयाब होना तो सर आसान होता है, लेकिन कामयाबी को बने रखना बहुत मुश्किल होता है। बहुत बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि कुर्सी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद उस पर टिके रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। और ये कहना चाहूंगा सर, आज के दौर में प्रतियोगिता इतनी बढ़ गई है, तो कितना मुश्किल होता है उसको हासिल करना? नहीं नहीं, और अच्छी बात है कि जितनी कंपटीशन हो, जितने लोग आए जाएं, उसमें अगर आप कुछ अचीव करते हो तो उसका महत्व बहुत देखिए, बहुत अच्छी हौसला अफजाई होती है, और आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं उसमें आपको आशीर्वाद के रूप में कुछ भी मिलता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात होती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप जो भी अचीव करते हो, और आपके अचीव करने के लिए जो लोग आपको ये अचीव कराते हैं आशीर्वाद रूपी अवार्ड, जो भी है अवार्ड है, वो बहुत अच्छा काबिल तारीफ है। जो लोग सबका, पूरे देश का, हम तो ये कहते हैं कि परमात्मा का, माता पिता का, गुरु का, और उसके साथ में पूरे देश दुनिया की, जहाँ भी जनता जनार्दन, जिन्होंने हमारी इतनी सारी फिल्में देखी और इतना आशीर्वाद, आज भी किसी कोने पर खड़ा हो जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि हमारी पूंजी यहाँ खड़ी हुई है, और पूरे देश में जिस कोने में जाता हूँ अथाह प्यार मिल रहा है, और उससे बहुत हौसला अफजाई मिलती है, और आपको जीवन में कुछ ऐसा प्रयोग करने का मतलब जज्बा मिलता है कि जो आप लोगों को और भी ज़्यादा मतलब अपने काम से खुश करें और आगे बढ़ें। आप इंटरनेशनल
नहीं नहीं बिल्कुल, मैं तो इसी के लिए बना ही हूँ। मैं स्टेज का बहुत धन्यवाद देता हूँ, टेलीविजन का बहुत धन्यवाद देता हूँ, रीजनल फिल्मों का बहुत धन्यवाद देता हूँ, और हॉलीवुड का तो धन्यवाद देता हूँ, और सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता हिंदी सिनेमा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, सबका धन्यवाद देता हूँ हमेशा। जिसके ड्रीम्स फुलफिल हो जाते हैं तो वही अचीवर होता है। सबके सपने होते हैं, कलाकार हैं, सभी कलाकारों के सपने होते हैं, सभी को लगता है कि किसी दिन स्टेज पर जाएं, सभी को अवार्ड मिले, तो देखिए इसीलिए अवार्ड्स हैं। अचीवर्स के बारे में बताइए, एक अचीवर आपकी नजर में कौन है? जो भी एक इंसान कुछ सोचता है कि मुझे ये अचीव करना है और वो अचीव करने के लिए कोशिश भी करता है, मेरे लिए तो वो भी अचीवर है। बिकॉज ऑफ कोर्स हर कोई जो सोचता है उसको मिलता नहीं, बट एटलीस्ट वो पाने के लिए कोशिश करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। आजकल के दौर में कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है, लोग अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए किसी भी लेवल तक जा रहे हैं, कोई लिमिट क्रॉस करने से पहले बताइए। देखिए एक रोल होता है, रोल में कलाकार होता है, कलाकार को वो रोल अच्छे से निभाना होता है तभी लोगों को पसंद आता है। अब कॉम्पिटिशन है, लोग बहुत सारे होते हैं तो कॉम्पिटिशन छट जाता है, वो जब जरूरत का कलाकार चाहिए तो कंपटीशन अच्छा है, इट्स ऑलवेज हेल्दी, आपको फिट रखता है, आपको ऑलवेज यू आर ऑन द टोज एंड यू ऑलवेज कम्पीटिंग बिकॉज ऑलवेज न्यू पीपल आर कमिंग एंड यू स्टिल डूइंग वर्किंग। और ये हमारी इंडस्ट्री है जिसमें कहीं से भी डॉक्टर भी आ सकता है, इंजीनियर भी आ सकता है, हम नहीं बन सकते, तो इसलिए यहाँ पे कॉम्पिटिशन ज्यादा है। आई थिंक देखिए कामयाबी तो किसी को किसी भी तरीके से मिल सकती है, लेकिन हमारी फील्ड में एक सक्सेस पाने के बाद उसको रिटेन करना और कंसिस्टेंटली उस पर काम करते जाना और सालों तक इसी को प्रोफेशन बनाए रखना तो बहुत मुश्किल काम है।
जा रहा हूं और मुझे क्योंकि दूसरा कार्यक्रम में वहां जाना है क्योंकि यहां मैं स्वामी जी के प्यार और मोहब्बत और मैगजीन के 10 साल पूरे हुए जो ट्रेड से बिलोंग करते हैं या ट्रेड के लिए कुछ काम करते हैं उसके लिए मैं हमेशा साथ देता हूं क्योंकि मेरी ट्रेड जो है वही मेरा जीवन है और वही मेरी जो ना खाना है वही मेरी मैंने कहा ना अचीवर कहीं के भी हो अंधेरे से उजाले में जब तक आएंगे तो उनकी पहचान बनती है और ये किसी भी माध्यम से किसी भी रूप में
अवार्ड होते हैं, किसी की रिकग्नाइजेशन करते हैं, जिसकी जितनी पहुंच होती है वहां तक पहुंचता है। तो मुझे लगता है जहां लोगों की रिकग्नाइजेशन हो वो होनी चाहिए और ज्यादा होनी चाहिए, जितना करो उतना कम है। डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स होते हैं लेकिन कॉमर्शियली जो है सेटेलाइट पे या टीवी पे जो है बहुत कम होते हैं जिसमें स्टार्स होते हैं। बट ये है इंटरनली ऑन द कंट्री इफेक्टिव अवार्ड्स है जिसकी वजह से जो है लोग पॉपुलर होना बहुत नाजुक है। थैंक यू। देखो ये सब हौसला अफजाई वाली बातें हैं, ये होते रहना चाहिए। अगर अच्छे काम करने वालों को अवार्ड तो पब्लिक दे देती है, प्यार दे देती है, तो कुछ संस्थाएं भी देती हैं। और फिल्म स्टूडियो तो कमाई उनकी यहीं से इंडस्ट्री से, तो उनका भी फर्ज बनता है। जब साल भर इनके विज्ञापन देते हैं, फिल्म की एड देते हैं, तो एक दिन इनका सम्मान बढ़ाना चाहिए। रही बात मेरी, मैं छोटे से गांव से चला, मेरा अंदाज पसंद आया लोगों को, तो मैं इस इंडस्ट्री में मेरी भी छोटी सी एंट्री हो गई। छोटे स्क्रीन पे कुछ शोज़ किए, फिर बड़े स्क्रीन पे बॉम्बे टू गोवा की, और अभी एक बड़ी धार्मिक महिला के साथ काम किया था, सन्नी लियोनी के साथ, एक पहली लीला, बहुत अच्छी फिल्म थी। लोगों ने जिसने भी देखा मुझे पसंद किया, और बहुत जल्दी मैं 14 फिल्में कर चुका हूँ, बस दुआ करो रिलीज हो जाए। चेक तो बाउंस हो गए बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उम्मीद है कि फिल्म रिलीज होगी तो पैसा मिल जाएगा। कामयाब होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के दौर में कामयाबी के लिए जो लिमिट लोग क्रॉस कर रहे हैं किसी भी हद तक नहीं, वो गलत है। ईमानदारी से काम करते रहो, एक ना एक दिन आपको मंजिल मिलेगी। शर्त है ईमानदारी, और किसी भी हद दर्जे पे गिरेंगे तो वो लंबी रेस के घोड़े नहीं होते जी। आपको भी इंडस्ट्री में मालूम है और हमको भी मालूम है किस किस ने क्या क्या किया, और अब घर बैठ गए, अब लोगों को ढूंढना पड़ता है कि ये कहाँ है जो कल छाए रहते थे टीवी पे। तो ईमानदारी ही टिकती भाई। सनी लियोनी के साथ काम किया, अब कौन से एक्टर के साथ काम करें फ्यूचर में बताइए। नहीं देखो, जो प्यार से बुलाएगा उसमें जाएंगे, लेकिन अब एक्ट्रेस तो सब अच्छी हैं भैया, सब काम कर रही हैं, लोग पसंद करते हैं। लेकिन अगर हीरो बोलो तो टॉप 10 हैं, लेकिन इनकी नज़र हम लोगों पे नहीं पड़ती। सलमान जी, शाहरुख जी, अक्षय कुमार जी, आमिर जी, टॉप 10 ऋतिक जी, इन लोगों की फिल्में कॉमेडियंस की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद कॉमेडी कर लेते हैं, खुद ही फाइटिंग कर लेते हैं। तो ये सिलसिला थोड़ा सा बिगड़ गया है, सुधार लो भाई। कॉमेडियंस की भी अपनी रोजी रोटी है, गाने वाले अलग होते हैं सिंगर तो उनसे गवाओ, लिखने वाले अलग होते हैं उनसे लिखवाओ। तो ये फैक्ट्री है, इसमें सब काम करते हैं, सबकी रोजी रोटी चलने दो। जैसे पहले महमूद साहब सेपरेट अपना कॉमेडी करते थे, उनको एक हीरोइन मिलती थी, एक गाना मिलता था। जॉनी लीवर साहब तक ये सिलसिला चला, राजपाल यादव ने अच्छे दिन देखे, लेकिन अब के कॉमेडियंस को मजबूरी पे फिर अपने शो लाना पड़ता है, जैसे कपिल ने लाया, तो फिर ये लोग इस स्क्रीन पे आके अपने फिल्म का ऐड करते हैं। तो बस मैं जी किन के काम को भी हर सरकार अपने ढंग से काम करती है। मोदी जी की अपनी प्लानिंग, अभी तो प्लानिंग उनकी ये है कि विदेशों से जोड़ो सबको, जोड़ो। अब ये जोड़ने में लगे हैं, फिर जरा फंड जमा हो जाएगा तो फिर काम करना शुरू करेंगे। काम हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन बहुत हाँ मैं संतुष्ट हूँ, काम अच्छा हो रहा है। और अभी तो कुछ साल और बाकी हैं, और इतना भारी बहुमत से जिता है तो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, अच्छा ही होगा। थैंक यू वेरी मच सर। एक
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे कॉन्ग्रेट्स करने के लिए. अचीवर मेरे हिसाब से वो है जिसको एक्नॉलेजमेंट मिलता है, क्योंकि आप रोज की यू नो एवरीडे के दिन में कुछ ना कुछ अचीव तो जरूर करते हो, बट वो एक अप्रिसिएशन जब आपको कोई आके बोले कि आपने ये आज अच्छा किया, दैट इज व्हाट अचीवमेंट मींस टू मी. ऐसा हो गया है या होता आ रहा है ये हमने हमेशा सुना है, सो आई डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या होता है. फॉर मी आई फील जितना आपकी किस्मत में है वो आएगा ही, सो जस्ट बी देयर. आई एम नॉट सेइंग सिट बैक बट वर्क हार्ड फॉर इट एंड गो इन अ राइट वे. जैसे आप कुछ अचीव करते हैं तो आप एक लेवल क्रॉस करते हैं, तो उस लेवल पर रहना काफ़ी टाइम तक या उसके ऊपर एक और सीढ़ी चढ़ना, येस इट्स डिफिकल्ट बिकॉज आपके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. देन आप एक प्रेशर में होते हैं कि आपको किसी आपको लोगों ने इतना चाहकर इस मुकाम पर पहुंचा है, तो उसको अच्छे से मेंटेन करना, येस इट्स डिफिकल्ट. अचीव किया था मैं खुद नहीं जानता. कोशिश मेरी खाली इतनी है कि मैं कुछ समाज के प्रति कुछ कर पाऊं और उसमें हर तरह से जुटा रहता हूं. अगर उस चीज का अगर ये सम्मान मिला है तो मैं इनका शुक्रगुजार हूं. पर हाँ एक बात जरूर कहूंगा, एक अवार्ड आप इसको अचीवर बोलने या कुछ एक प्रोत्साहन मिलने का एक तरीका है. आदमी को एक तरीके का एक बेसिकली यू नो वी कॉल इट यू नीड अ किक टू टेक अ स्टार्ट समवेयर. आज अपन स्कूटर भी स्टार्ट करते हैं तो स्कूटर को एक किक देनी पड़ती है. इट्स लाइक द सेम फॉर्मेट. हाँ आपको सराहा गया, आपको सम्मान दिया गया, शायद उस तरीके का एक मैसेज है कि आपने कुछ समाज के लिए किया है. दैट्स ओनली थिंग आई कैन से द मोमेंट. देखिए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप कोई भी उल्टे सीधे काम करो. कोशिश करो, दिल से काम करो, दिल दिमाग हर तरह से सक्षम रखो. खाली दिमाग से काम करना बिल्कुल गलत है. दिल से काम करोगे आप तो शायद कहीं गलती नहीं करोगे. दिल और दिमाग का कोऑर्डिनेशन रखना बहुत जरूरी है. आखिर मैं ये पूछना चाहूंगा, आपने खुद भी अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज करवाया है, आपकी नजर में और किस तरह के लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए और दूसरे कैटेगरी से लोग होते हैं? वेल कैटेगरीज बहुत हैं, लेकिन मैं समाओ अवार्ड शो को उस जॉनर में देखना चाहता हूँ. हम ये कर रहे हैं, पिछले साल भी हमने किया, उसका सेकेंड एडिशन इस महीने ला रहा हूँ 28 मई को. अच्छा.
इस्कॉन ऑडिटोरियम में कर रहा हूँ एक आम आदमी के लिए। मैं अपने आप में समझता हूँ, मानता हूँ अनसंग हीरोज जिनको आप बोल लो कि वो आपकी मैं बात करूँ कि मैं अपनी बात करूँ, हर किसी में जज्बा है कुछ कर गुजरने का। आज आप एक सेलिब्रिटी को ही क्यों आगे लाते हैं, आप उसकी जो दिनचर्या रही या उसकी जो लाइफ स्पैन रहा उसके बारे में बात कर रहे हैं। हर गली पे हर नुक्कड़ पे एक हीरो है, उनको आप आगे लाओ, उनके बारे में बात करो, आपको समझ में आएगा कि दुनिया कहाँ चल रही है आज। योगेश लाखन जी के बारे में क्या कहूँ, बहुत ही ग्रेट इंसान है, बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत ही हैंडसम इंसान है, बहुत ही